गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अभिनव केमिस्ट्री धाम में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर पर आप बैठे ही हैं, तो देखिए वीडियो मिस कर मत करिए आप, ठीक है। वीडियो आप देखते रहिए और काम करते रहिए, लेकिन वीडियो जो है आप ज़रूर देखते रहें। आज के वीडियो में जो है हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसकी सभी को मोस्टली जो है सबके साथ प्रॉब्लम भी होती है। कि वीडियो का जो टाइटल मैंने रखा, इसी विषय पर मैंने सोचा, काफ़ी सोच के जो इसका जो टाइटल रखा गया कि दीज 21 वर्ड्स विल एब्सोल्युटली चेंज योर पर्सनैलिटी एंड वे ऑफ थिंकिंग। देखिए, अपनी जो एक लाइफ है इसमें वे ऑफ थिंकिंग का बड़ा इम्पोर्टेंस है कि वे ऑफ थिंकिंग आप किस तरह से जो है किसी चीज़ को है या कोई फैसला आप ले रहे हैं तो उसे किस वे से आप सोच रहे हैं। वे ऑफ थिंकिंग क्या आपका सोचने का क्या तरीका है, कि आप पॉजिटिव वे में उसे सोच रहे हैं, नेगेटिव वे में सोच रहे हैं या फिर और कुछ ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो वे ऑफ थिंकिंग को अपन कैसे सुधारें, ठीक है। तो देखिए, कई डिफरेंट बहुत से डिफरेंट वे होते हैं। कोई जो है कहा भी जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है या वो टूट जाता है, कई बार होता है कि ऐसी कोई दुखद घटना होती है कि व्यक्ति अंदर से टूटता है, तो इसी के बेस पे कहा जाता है कि एक व्यक्ति वो होता है जो इसका सहारा लेकर बहुत आगे बढ़ जाता है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे देखते हुए क्या रह जाते हैं, उसी स्थिति में रह जाते हैं जिस स्थिति में आए थे, ठीक है। तो एक महान जो है मोटिवेशनल स्पीकर जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि अगर आप दुनिया में गरीब आए हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अगर 30 या 31 आपकी उम्र हो गई है जब तक भी आप गरीब हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा और ज़्यादा सिर्फ आपकी गलती है, ठीक है। तो इसी के बेस पे अपने इसमें छोटे से जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ इसके अंदर एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, जैसे नीट MBBS इनकी एक जो है नीट की तैयारी एक बच्चा कर रहा होता है, तो वही अपने जैसा एक साधारण बच्चा होता है जिसके जो मन में है कई सवाल, कई फ्यूचर को लेके कई डाउट, करियर को लेके कई डाउट कि आगे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो वही थोड़ा जो तैयारी कर रहे थे, तैयारी में एक साल तैयारी हुई तो उस साल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सेकंड साल उन्होंने तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, उसमें भी उनका नहीं हो पाया। दो साल लगातार फेलियर उनको मिलता रहा, इससे वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। उसके बाद उन्होंने मार्केट से एक बुक खरीदी। बुक खरीदने के बाद जब उसे पढ़ा, ठीक है, तो उसे पढ़ने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर से उस कंप्लीट बुक को पढ़ने के बाद उस बुक में से 21 वर्ड्स उन्होंने पिकअप किए, एंड वो 21 वर्ड्स पे जब उन्होंने काम किया तो उन 21 वर्ड्स ने उनकी लाइफ चेंज कर दी, ठीक है। तो वो जो बुक ली थी, उस बुक के जो थे राइटर थे सर थॉमस अल्वा, तो सर थॉमस अल्वा की जो थी वो बुक थी। उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने जब उस पर काम किया, अपने वे ऑफ थिंकिंग को बदला, डिप्रेशन से बाहर आए और एक 20 वर्ड्स को लेकर उन्होंने जब अपने ऊपर काम किया, ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी उनको सक्सेस मिली। नीट उन्होंने क्लियर किया और आगे बहुत अच्छे डॉक्टर बने, एक बेस्ट फिजिशियन बनकर उन्होंने दिखाया, और इसी के साथ इंग्लैंड के बेस्ट फिजिशियन माने जाते हैं वो, और विदेशों में भी काफ़ी ऑपरेशंस के लिए उन्हें बुलाया गया, और इंग्लैंड के एक बार उन्हें इंग्लैंड का किंग कहकर भी बुलाया गया, इंग्लैंड के किंग से उनको उपाधि भी दी गई। और उनका जो नाम था वो नाम था सर विलियम ओस्लर। सर विलियम ओस्लर इंग्लैंड के एक किंग के रूप में जाने गए, बेस्ट फिजिशियन के रूप में जाने गए, ठीक है। तो वो जो 21 वर्ड थे, 21 वर्ड का कमाल उनके जीवन में हुआ, और वो 21 वर्ड क्या थे वो अपन इसके अंदर जानेंगे, ठीक है। तो वो बुक आप पढ़ भी सकते हैं। इसी के साथ वो 21 वर्ड जो शॉर्ट जो था जो है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो था कि अवर मेन बिजनेस, ठीक है, अवर मेन बिजनेस इज नॉट टू सी दैट लाइज डिमली एट डिस्टेंस बट टू डू वॉट इज क्लियरली एट हैंड। इसका मतलब ये है कि आप जो है थोड़ा दूरी पे रखे हुए, आपसे जो दूर रखा हुआ है उसके बारे में आप मत सोचिए, अभी जो आपके वर्तमान में जो आपके हैंड पे रखा हुआ है, हाथ पे रखा हुआ है, उसके बारे में आप सोचिए, ठीक है। अपना वे ऑफ थिंकिंग जो है उसे चेंज कीजिए, दूर की ना सोचकर पास की सोचिए, फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर की आप तैयारी करते हैं, ठीक है, फ्यूचर में ना सोचकर प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए ख्याली पुलाव मत पकाइए, अभी की दाल चावल खाइए,
ठीक है। तो एक फ्यूचर में ना रहकर आप जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट में अपने जिए, और एक बात इसके अंदर ये जरूर जान लें कि व्हाट आर यू से इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाउ डू यू से इज मोर इम्पोर्टेंट देन इट। आप क्या बोलते हैं, कहाँ क्या बोल रहे हैं और किससे क्या बोल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन हाउ डू यू स्पीक, आप क्या बोल, कैसे बोल रहे हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके बोलने के तरीके से सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखें कि अभी प्रेजेंट में आप जिए, प्रेजेंट में जो है आप उसे माने, अपने लिए और मेहनत करें, तैयारी अपने लिए करें, फ्यूचर का आप मान के चलिए, लेकिन फ्यूचर में मत जिए, जिए आप प्रेजेंट में, और फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट में आप क्या करिए, अपने ऊपर काम करिए, काम करने का जो है प्रेशर अपने ऊपर बनाइए, आगे की ओर बढ़ते रहिए। और इसी के साथ एक बात और मैं बताऊँ आपको इसमें, कि अपन ये बात करें कि पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व जो अपना होता है, व्यक्तित्व हर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, किसी का सही होता है, ख़राब भी होता है, कैसा क्या होता है, अपने नेचर पे डिपेंड वो चीज़ करती है, लेकिन पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैसे बनाएं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँ। तो एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज किस टाइप की रखते हैं, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, वहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, सेकेंड वे ऑफ थिंकिंग सोचने का तरीका क्या है, थर्ड वे ऑफ स्पीक बोलने का तरीका क्या है, किस प्रकार से बोल रहे हैं, एक जो है सिंसियरिटी आप में बोलने की होनी चाहिए, तू तड़ा कैसे ज़्यादा आप बात नहीं करें, लिमिट में रहकर लेवल आप क्रॉस ना करें, एक लिमिट में रहकर बात करें, आई कॉन्टैक्ट जो है, आई कॉन्टैक्ट आप बिल्कुल उनसे रखें, आई कॉन्टैक्ट का बहुत इफेक्ट पड़ता है, कम्युनिकेशन कैसे रहता है, ठीक है। अभी इसी वीडियो में आप जो है वे ऑफ थिंकिंग तक ही अपन बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी उस पर थोड़ी चर्चा करूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स किसी के साथ कैसे बढ़ाएं, और या किसी की लाइफ पे जो है एक अच्छा इम्प्रेशन डालें, आप किसी से मिले तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगी ताकि वो आपको बिल्कुल याद रखे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने ऊपर आप मेहनत करते रहिए, और लॉकडाउन में वीडियो ज़रूर देखते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अपन अगले वीडियो।